उनके पास है। आप भी बीजेपी? जी सर, मैं नीरज गौतम प्रदेश मंत्री बीजेपी हूँ इस समय एससी मोर्चे में। आज तो ये वैसे तो मैं आम लोगों से बात करता हूँ, नेताओं से कम बात करता हूँ, लेकिन आज चूंकि मौका ही ऐसा है कि लखनऊ की सड़कों पर प्रदेश भर के कार्यकर्ता नेता सब लोग आए हैं, यहाँ चुनाव है, सारे विधायक आए हैं, मंत्री आए हैं, सब लोग हैं, तो आप भी चुनाव लड़ना चाहती? अगर संगठन मुझे लड़ाएगा तो मैं निश्चित ही इटावा लोकसभा सीट पर विजय से हासिल करके पार्टी के झोले में। वो सीटिंग वाले का कटवाने आई है? नहीं, मैं कौन हूँ कटवाने वाली, कटवाने वाली तो संगठन और सरकार है ना, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। माननीय मोदी जी ने अभी महिला आरक्षण विधेयक पास किया, उसमें अगर हम महिलाओं का 33% आरक्षण के तहत अगर हम लोगों को कहीं भागीदारी मिलती है तो निश्चित है कि हम जनता के बीच जाएंगे। और अरे वो तो कब मिलेगा 33%, आपको मालूम है अगर मोदी जी या बीजेपी ऐसे ही है तो इसी लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को दे करके दिखाएं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय देश के या कांग्रेस वाली दिखाएं या जितने बनते हैं कोई भी दे के दिखाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने जो कहा वो करके दिखाया। अच्छा एक बात बताइए, ये पीडीए, ये राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन, ये आपके इटावा मैनपुरी कन्नौज फरुखाबाद फिरोजाबाद में क्या असर करता दिख रहा है? सर देखिए असर तो केवल और केवल मोदी जी और योगी जी का है। जनता जान रही है कि यहाँ पे गरीबों दलितों और पिछड़ों का कल्याण अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। आप इटावा के रहने वाले? जी बिल्कुल। तो ये 6 सालों में इटावा में कौन सा प्रोजेक्ट योगी सरकार का है जो आपको अच्छा लगता है? सर इटावा में देखिए ऐसे तमाम प्रोजेक्ट है, एक बताइए कोई बढ़िया। इटावा में अभी अभी लेटेस्ट हमारे गांव के जस्ट बगल में, जहां एक मैं गरीब परिवार में पली हूं और मेरे जस्ट बगल में एक किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं हमें मेडिकल कॉलेज दिया है। मेडिकल कॉलेज जिसके लिए हमें कभी कानपुर और इटावा जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता, तो वो अब हमें हमारे घर में सुविधाएँ मिल रही हैं। पचनत बांध का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी अभी योगी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार में हम लोगों को। तो सैफई से आपका गांव कितनी दूर है? सैफई से हमारा गांव समथिंग 70 किलोमीटर दूर। नहीं तो सैफई में तो पीजीआई है इतना बड़ा, तो यहाँ भी तो ये सर पीजीआई की तरह ही है, ये भी पीजीआई। मैंने ये पूछा कि इटावा में आप कहाँ से? वो दिव्यापुर औरैया डिस्ट्रिक्ट से। अरे दिव्यापुर तो मैं गया हूँ। अरे उसीलिए तो मैं भी सर दिव्यापुर के जस्ट बगल में सेहूत गांव है मेरा, मैं वहीं से एक गरीब परिवार से उठकर आई हूँ और मैंने कभी मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की है, लेकिन हालात तो, आप सत्ता की बुलंदियों पर सियासत की बुलंदियों पर जाएं भाई साहब, जो है ये तो आप लोगों का और जनता का आशीर्वाद होगा, और अगर संगठन और सरकार का निर्णय हुआ मेरे पक्ष में, मुझे अगर मौका मिला सौभाग्य मिला तो निश्चित ही है कि मैं चुनकर। मेरी शुभकामना है कि आप खूब ऊंचाई पर जाएं। हाँ जी बस, तो दिव्यापुर के विधायक का क्या हाल है? ठीक है, प्रदीप यादव जी है हमारे यहाँ से विधायक सपा से, ठीक है उनका अपना, अब सत्ता तो भाजपा की, हम लोगों की तो ऐसे चल रहा है, 300 वोटों से जीते तो कोई बड़ी जीती नहीं। अरे इस चुनाव में ही 50 लोग से ज्यादा 5,000 से कम में जीत हार हुआ था, वो बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ की जो सीट थी वो 300 से जीते थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे मंत्री राज्य। सपा और कांग्रेस का गठबंधन का कुछ जमीन पर असर दिख रहा? कुछ नहीं, कोई असर नहीं, मीडिया में कुछ लोग भले ही दिखाएं जमीन पे 0%, मीडिया में उनका दिखा रहे हैं कि आप ही का दिखा रहे हैं? नहीं नहीं उनका भी आज देखिए। अरे भाई आप ऐसे लोग सही बोलते हैं, बकाया सब कुछ स्क्रिप्ट जैसे नहीं लिख के बोली जाती है, वो ये देखने का मन नहीं होता भाई साहब, इसीलिए मैं वहाँ से आया, हमको हम तो साधारण कहें आपको देख कर मुझसे कहें कि भाई साहब चलिए देखिए News 24 से भाई साहब आए, आप जिनका पहली दफा मिल रही है, हम चलो इसलिए हम दौड़ के आए, हम तो छोटे कार्यकर्ता है, भाजपा के भाई साहब नेता नहीं है, छोटे कार्यकर्ता है कि हमको सब आप भाजपा के कई सब कहते हैं कि वो उधर का बोलता है, कई कहते हैं भाजपा का बोलता है, लेकिन मैं जो सच है वो कोशिश करता हूँ, आप भाजपा के तो मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज तो राजनीतिक कार्यकर्ता ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं ज़मीन पर असर इनका नहीं है, तो बावजूद इसके
ये जो बीजेपी तमाम विरोधी दलों के लोगों को अपनी तरफ ला रही, जो दागी हैं उनको भी, जिन पे तमाम आरोप हैं उनको भी, अगर इतनी ही बीजेपी मजबूत है तो इन दूसरी पार्टी के नेताओं की उसको ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कौन सा परिवार ऐसा है भाई साहब जो अपना परिवार नहीं बढ़ाना चाहता है, हमें ये बताइए। भाजपा का इसमें दोष क्या है? कोई आ रहा है तो वो लेने से मना करते हैं, वो भी तो नेता हैं, देसी के तो हैं, प्रदेश के हैं नेता, उनमें सुधार करें। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र की तरह है और यहाँ पे सबका साथ और सबका विकास। यहाँ भाई साहब जो आएंगे भाजपा की नीतियों पर, ये नहीं कि उनकी मनमानी चलेगी, नीतियों पर आने दो, उससे कुनबा बढ़ रहा हमारा, इससे उसमें क्या बुराई है? इसमें कोई नहीं, देखिए आपके यहाँ आके हृदय परिवर्तन तो कहते ही है ना मजाक में कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी। वॉशिंग मशीन है इसलिए है कि यहाँ बताइए अभी तक 5 साल में कितनी पार्टियों के नेता आए यहाँ पे, किसी पे कोई भ्रष्टाचार किसी ने कर पाया? को 2 रुपए नहीं ले पाते है, चुपचाप रहो, राजनीति करो। भ्रष्टाचार तो जब सामने आए तब भ्रष्टाचार है ना, आना भी तो मुश्किल है। आने विपक्ष है साहब, अगर कोई भ्रष्टाचार यहाँ मंत्री कोई करेगा नखलऊ में, विपक्ष सवाल उठाएगा तो उधर से क्या है एजेंसी नाम है? अरे नहीं, ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं, कुछ भी भाई साहब कोई कहने लगे, विपक्ष को कुछ कहना है, विरोध करना है।